नमस्कार, गजब का स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुमिति शर्मा। आज मैं आपको ताजे नारियल की बर्फी बनाना बताऊंगी। मैंने पैन को गरम करने रख दिया है। इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। ये मैंने देसी घी लिया है। घी हमारा गरम हो रहा है। यहाँ मैंने एक ताजा नारियल लिया है जिसे ग्रेट करके मिक्सी में पीस लिया है। अब इसको हम घी में डालेंगे और 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और 100 ग्राम मैंने चीनी ली है। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी ले सकते हैं। 2 इलायची के दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको मीडियम गैस पर गाढ़ा होने तक पकाएंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। देखिए, ये हमारी बर्फी का पेस्ट गाढ़ा होता जा रहा है। इसे हम अभी और सुखाएंगे। देखिए, नारियल का पेस्ट हमारा अब सूख चुका है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और मैंने 1/2 चम्मच रोज एसेंस लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। मैंने इसको एक प्लेट पर निकाल लिया है, जो प्लेट मैंने पहले से ही ग्रीस करके रख ली थी। अब हम इस पर वर्क लगाएंगे। इसको हम ठंडा करने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। फिर हम इसके पीस काटेंगे। इसके हम अब पीस काटेंगे और इस पर हम फूड कलर से इसको डेकोरेट करेंगे। हमारे नारियल की बर्फी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे फ्रिज में रखकर भी इसके पीस काट सकते हैं। ये हमारे नारियल की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे जल्दी से बनाइए, खाइए और मेरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर करिए।